commercial and financial controversy inter se among corporate houses. हमारे सामने ये भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल टेररिस्ट देश में chaos, mayhem, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए also from across the border कार्रवाई कर रहे हैं. मैं आपको बताना चाहूंगा द बेसिक एसेंस ऑफ दिस इज व्हाट आई वुड से इट ए सॉफ्ट टच ओवरसाइट मैकेनिज्म वेयर वी आर इंसिस्टिंग अपॉन द प्लेटफॉर्म टू डिवेलप द मैकेनिज्म एंड हैव ए रोबस्ट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस. और अब जब प्रकाश जी अपनी बात कहेंगे तो वहां भी एक सॉफ्ट टच मैकेनिज्म है वेयर द प्लेटफॉर्म्स बी द ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग एम्फेसाइज्ड टू हैव ए प्रॉपर मैकेनिज्म. ये हमारा फोकस है, ये समझना चाहिए. मैं थोड़ा आई एम विश टू शेयर सम स्टैटिस्टिक्स टू यू. भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं 53 करोड़, यूट्यूब यूजर्स आर 44.8 करोड़, फेसबुक यूजर्स आर 41 करोड़, इंस्टाग्राम यूजर्स आर 21 करोड़ एंड ट्विटर यूजर आर 1.75 करोड़. दिस इज अ गुड नंबर, वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. इंडियन यूजर्स आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म्स एंड दे आर ऑल्सो मेकिंग गुड बिजनेस केस, वेलकम. बट वॉट हैज हैपन एज आई इंडिकेटेड इन द वेरी बिगिनिंग concerns is are being raised over the years about rampant abuse of these social media platforms. ये आपके कोर्ट के सामने बात आई है, पार्लियामेंट के सामने बात आई है, सिविल सोसाइटी ने बात उठाई है. और फेक न्यूज का तो ये हाल है कि आजकल मैं टीवी चैनल्स को देखता हूं कि वो भी एक फैक्ट चेक मशीन रखते हैं. जब प्रकाश जी ने यहां फैक्ट चेक शुरू किया तो हमने कहा नई बात है, बट नाउ आई सी मेनी चैनल्स आर हैविंग ए फैक्ट चेक मशीन. देयरफॉर दिस ओनली कंफर्म्स द रैम्पेंट स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज. और बाकी फाइनेंशियल फ्रॉड, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये सब चीजें चल रही थी. तो ये हमने देखा कि जो इंडिया में सोशल मीडिया का एवोल्यूशन हुआ है, मेनी बिकेम एज इंटरमीडियरी, then became the social media, some became publishers overnight. ये भी अपने आप में एक development हुआ है, ये आपको हम बताना चाहते हैं. आज का हमारा rational and justification for new guidelines क्या है, मैं 4-5 points आपके सामने रखना चाहता हूं और ये बहुत important है. आपको एक व्यापक press release मिलेगा. Supreme Court on 11 December 2018 in the Pranjola case ask us to frame necessary guidelines to eliminate child pornography, rape, gang rape images, videos and sites in content hosting platform and other applications. Supreme Court ने फिर 24th of September 2019 को मेरी मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि प्लीज हैव ए न्यू गाइडलाइन कंप्लीटेड एट द अर्लीस्ट. आवर सेक्रेटरी मिस्टर अजय सानी हैड फाइल एंड एफिडेविट इन द कोर्ट टू बी डूइंग बाय दिस ईयर बिगिनिंग इटसेल्फ. राज्यसभा में 26-7-2018 को कॉलिंग अटेंशन मोशन हुआ था फेक न्यूज पर, ए भी तो सोशल मीडिया पर. एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अर्ज मी टू टेक एक्शन एंड देयर इज माय एश्योरेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि वी विल इंप्रूव द एंटायर गाइडलाइन. और राज्यसभा की एक एडहॉक कमेटी की रिपोर्ट है ऑन 3 फरवरी 2020 जहां पर पोर्नोग्राफी ऑन सोशल मीडिया, इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, हेट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, इसको लेकर चिंता प्रकट की गई थी. Therefore, court orders, parliamentary proceedings, I only mention of Supreme Court, there are many orders of the high courts as well to take action in this. Hamari ministry ne vyapak consultation kiya. We prepared a draft on 24th of December 2018 where we received 171 comments. We put those comments in public domain and we had 80 counter comments too. Therefore, widespread consultations was done, and also in the case of INB, which will be explained by them. अब हम इसके salient features को आपके सामने रखना चाह देते हैं. बाकी तो rules आपके सामने आएगा, press statement भी है. पहला है कि
दो कैटेगरी की है, एक है इंटरमीडिएट विच कैन बी ए सोशल मीडिया इंटरमीडिएट और दूसरा है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट पर एडिशनल ऑब्लिगेशन है, देर आर एडिशनल ऑब्लिगेशंस ऑन ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट। वी शैल नोटिफाई द यूजर्स नंबर फॉर ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट वेरी सून कि हु विल बी दोस। पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा एंड इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा। हु शैल रजिस्टर द ग्रीवांस विद इन 24 आवर्स एंड डिस्पोजल इन 15 डेज, दैट इज वेरी क्लियर। सेकेंड, इफ देर आर कॉम्प्लेन्स अगेंस्ट द dignity of users, particularly women that expose their private parts of individuals or nudity or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the woman of India and anyone else. It's very clear. उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि दो प्रकार के सोशल मीडिया होंगे, तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको तीन काम करना पड़ेगा। पहला, यू विल हैव टू हैव ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रेजिडेंट इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ द एक्ट्स एंड द रूल्स। सेकेंड, ए नोडल कंटैक्ट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर हैविंग 24/7 कोऑर्डिनेशन विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल परफॉर्म द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज आई इंडिकेटेड। एंड नेक्स्ट इज यू मस्ट पब्लिश ए मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया। देयरफॉर जस्ट टू कॉन्क्रीटाइज, we are empowering the ordinary users of social media and other intermediaries. You must have a robust grievance redressal mechanism in shooting the complaint within 24 hours, redressal within 15 days. You must have a chief compliance officer for significant social media. You must have a nodal contact person. You must have a resident grievance officer, all residing in India. And you must गिव ए मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट। ये बहुत स्पष्ट है। उसके बाद एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई बट हु वॉज द क्रिएटर, हु वॉज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ। बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप मॉब लिंचिंग में, तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इसके बारे में बताना पड़ेगा। दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं। हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा। ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया, ये बताना पड़ेगा। आई रिपीट, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपॉन बींग आस्क्ड either by a court order or by the government authority will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message as the case may be, and this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number one, number two, security of the state, public order, relations with foreign states or rape, sexually explicit material, etc., etc. तो आपको यह बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी। यस, और यह सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है। आई एक्सप्लेन टू यू, बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा। इसमें हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, नॉट द गवर्नमेंट, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
मस्ट हैव ए प्रोविजन फॉर वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ द यूजर्स, क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। और एक अंतिम बात है कि दो बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। एक अंतिम बात आपको बताना जरूरी है कि आपको रिमूव करना पड़ता है अपने, आपका हर ट्वीट हटा देते हैं, आपका फेसबुक से एंट्री हटा देते हैं। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रिमूव और डिसेबल करता है किसी यूजर के कंटेंट को, तो आपको उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। इफ यू सीक टू रिमूव द और डिसेबल एक्सेस टू द कंटेंट ऑफ एनी सोशल मीडिया यूजर, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव हिम रीजंस एंड ऑल्सो हियर हिम। ये हमने एक प्रोविजन रखा है। मित्रों, ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है, वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इम्प्रूव कर लें।